दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनबीसी की खास मुलाकात इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम न सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, बल्कि पूरे देश में हमारे राज्य का, हमारे छोटे से कस्बे का नाम रोशन करने वाले शख्सियतों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है श्री संजय देवलीकर सर को और साथ ही स्वाति संजय देवलीकर। मैम, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में जन्म लेकर शहर में आकर अपनी नाम, अपनी पहचान बनाना शायद उतना ही कठिन होता है, पर कहते हैं ना कि अगर खुद की मेहनत से आगे बढ़कर अपना नाम स्थापित करे तो बस बात ही क्या है। शायद इस काम के लिए आपको भगवान भी ना रोक पाए। आपको बता दूं कि वर्धा जिले के सेलू तालुका के छोटे से गांव सिंधी रेलवे में जन्मे संजय देवलीकर जी बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी रहे हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा 12वीं तक पूरी की है। शुरुआती दौर में इन्होंने अपना व्यवसाय बिल्डर के तौर पर शुरू किया था, जो किसी कारणवश इस व्यवसाय में वे सफलता हासिल नहीं कर पाए, परंतु वो यहां पर भी रुके नहीं। अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश लेकर वे नागपुर आ गए और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी एजेंसी की शुरुआत की और जिसको नाम दिया गया कौस्तुभ सिक्योरिटी सर्विसेज। संजय सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं संजय रमेश देवलीकर, रहवासी नागपुर शहर। मैं कौस्तुभ सिक्योरिटी एजेंसी का ओनर। स्वाति मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते, मैं स्वाति संजय देवलीकर, मिस संजय देवलीकर इनकी वाइफ और कंपनी में इनकी सहयोग कारक भी, 50% भागीदारी और हाउस वाइफ हूँ और कंपनी दोनों भी कह सकते हो, कंपनी की ओनर भी और हाउस वाइफ भी। दोस्तों कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण जो है वो यहाँ पर है। आज संजय देवलीकर जिस मुकाम पर है उसमें कहीं ना कहीं उनकी वाइफ स्वाति का बहुत बड़ा योगदान है। खैर सर, ये बताइए संजय सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि सिक्योरिटी फोर्स में आने की बात आपके मन में कैसे आई? मतलब आप एक बिजनेस करते थे तो बिजनेस छोड़ के आप एकदम से सिक्योरिटी की जो फील्ड है वो थोड़ी डिफरेंट है, बहुत डेयरिंग लगती है उस चीज में, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? मैम, एक्चुअली मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, मेरे पास में वर्क नहीं था और मैं जब वर्धा से नागपुर आया हूँ तो मैं इधर उधर वो प्लॉट का ब्रोकरेज का काम करने की सोच रहा था, बट वो काम मुझे नहीं जमा। एक भगवान जैसा एक आदमी आया मेरे पास में, वो मुझे बोल रहा था, कुछ लोगों के थ्रू मेरे पास में आया कि मुझे सिक्योरिटी सर्विसेज का लाइसेंस मुझे बेचना है, बट वो लाइसेंस नहीं था, वो एक गुमास्ता था। उसने मेरे को जो अमाउंट बोली, मेरे पास में काम नहीं था तो मुझे लगा कि ये पेपर के वजह से मुझे काम मिल जाएगा, तो मैंने वो पेपर परचेस कर लिया। बट वो जो पेपर था वो 500 रुपीज का पेपर था, बट वो पीरियड में मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, तो मैंने उसको जो अमाउंट उन्होंने बोला था वो अमाउंट मैंने उसको दे दिया और मैंने एक आदमी से लेके काम स्टार्ट किया। और जो वो एक आदमी था वो गडर में सोया था, उसको मैंने मेरे कंपनी में काम दिया। काम देने के बाद में वो मेरे पास में एक ही गाड़ी थी तब, बुलेट। वो बुलेट से मैं एक आदमी महेश रेस्टोरेंट करके है दिघोरी में, अभी शायद वो बंद हो चुका है, तो वहां मैंने एक पॉइंट लिया था, वहां से मैंने स्टार्ट किया। और वो जो आदमी था राजेश करके, उसको मैंने वहां गार्ड करके, मैंने सिक्योरिटी गार्ड करके मैंने वहां रखा था, वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। और ऐसा करते करते एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का दस, मैं एक साल तक के नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं काम कर रहा था। और उसके बाद में घर से भी मुझे बहुत रावजर था कि आप काम कर रहे हो, घर में पैसे नहीं ला रहे हो, बट मैं पैसे वही पैसे मैं वो बिजनेस में डालने की सोच रहा था और डाल रहा था।
मतलब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओ और बढ़ाओ। घर में मैं उसका रन नहीं, बस मेरा जो खर्चा है पेट्रोल पानी का जो भी है वो मैं उसी में से मैं खर्चा कर रहा था। 4 साल मैंने रात दिन मैंने बहुत मेहनत की, मैं दो दो तीन तीन दिन मैं सोता नहीं था और खुद मैं मार्केटिंग करता था। वो लेवल के ऊपर मेरा लोगों का मेरा स्वभाव लोगों को भाता था और वो स्वभाव के ऊपर उन्होंने मुझे काम देना चालू किया। तो आज मेरे पास में 250 से 300 लोग मेरे पास में आज काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। रणजीत जी, सर मैं जानना चाहूंगी कि बेसिकली ये सिक्योरिटी जो एजेंसी है वो किस किस की किस टाइप की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपिंग, बॉन्सर, गनमैन, ऑफिस बॉय, जी ये सारी चीजें। सर हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो इस ओर जाना नहीं चाहती, या यूं कहें कि इस फील्ड में आकर उनको ऐसा लगता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस तो है ही, लेकिन इसमें जान का खतरा बहुत होता है। तो क्या ये बात से आप सहमत हैं? Exactly. ये लाइन ऐसी है, ये लाइन में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको आपको बहुत ज्यादा चोर लुच्छे बदमाश दारूडे ये सब लोग आपको ये लाइन में मिलेंगे और ये लाइन बहुत ज्यादा डेंजर है। हर रोज मुझे डर रहता है, हर रोज जब घर से मैं निकलूं तो हर रोज मुझे डर रहता है कि आज मेरा क्या होगा। बट घर से हम लोग जब निकलते कफन बांध के निकलते और घर में हर अने साफ सुथरे आते हैं उसको दिन भरे में टक्कर देके बहुत कुछ लोग बोलते हैं। अगर सर्विस में कुछ छोटा मोटा कम ज्यादा होगा तो लोगों की अपने को दो बातें सुननी भी पड़ती है जी। और सोसाइटी में अपन काम करते हैं तो हर सोसाइटी में हर प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ बदमाश भी रहते हैं, कंपनी वाले भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो उनके साथ में अपने को टकराव लेना पड़ता है जी। वो टकराव लेके उनको उनके मन की समाधानी देके अपने काम को सुरक्षित रखना है। मतलब लाइफ में जब तक आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो शायद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय सर परमात्मा एक की विचारधारा पर चलते हैं, उनको परमात्मा एक पर अटूट विश्वास है। अपने जीवन में संजय जी ने बहुत परिश्रम कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी कि आप इस कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? सबसे पहला श्रेय हमारे परम पूज्य परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी को देते हैं, सेकंड महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को देते हैं। इनके माध्यम से ही मैं अभी जहां बैठा हूं, इन्हीं के माध्यम से मैं यहां बैठा हूं और इन्हीं के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और थर्ड है मेरी वाइफ, मेरे वाइफ का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो पल पल मेरे पीछे खड़ी होती है, वो मुझे अच्छे अच्छे बातें के लिए अच्छे अच्छे कामों के लिए मुझे सजेस्ट करती है कि ऐसा करो ऐसा करो, तो उनकी वजह से भी मैं आगे बढ़ना चाहता। स्वाति मैम ये बताइए कि जैसा कि अभी संजय सर ने कहा कि मेरे लाइफ में मैंने उनसे पूछा था कि इन सारी इतना जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया उसके पीछे का श्रेय किसे जाता है, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा एक के महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को देता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं श्रेय जो है मेरे लाइफ का मैं अपनी वाइफ को भी देता हूँ। तो किस प्रकार का सपोर्ट जो है संजय जी को आपका रहा है? सपोर्ट यानी उन दोनों का, यानी हम दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट तो रहा ही, पर लाइफ में कभी कभी ऐसे मूड आ जाते हैं कि डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो डिसीजन देने के लिए जब वो डिसीजन लेते तो मुझे पूछकर तो लेते ही नहीं, जब मुझे पूछते तो मैं उनको डिसीजन देती हूँ। कभी कभार मेरे डिसीजन पर वो अमल भी करते हैं, कभी कभार नहीं करते, पर जब नहीं करते तब उनको बहुत नुकसान होता है, तो फिर बाद में बोलते कि स्वाति तुमने बोला था वो सही था, आपको मुझे वो करना चाहिए था। इस तरह से हम दोनों ने एकमेक का सपोर्ट तो बहुत कुछ लिया है, बहुत यानी लाइफ में आगे आगे चलने के लिए सीढ़ी के लिए यानी दो पहिए चलते बोलते ना, वैसे हम दोनों साथ में चल रहे हैं, यानी वो हम मेरे बिना नहीं चल सकते और मैं उनके बिना नहीं चल सकती। क्या बात है, वैसे ही हम दोनों कंपनी हम दोनों चला रहे हैं, पर मैं घर में बैठकर चला रही हूँ, वो ऑफिस में जाकर चला रही हूँ। दिन भर की पूरी कंपनी में जो बात यानी जो काम होते हैं सब कुछ होता है वो मेरे से डिस्कस करते हैं। रात में हम दोनों यानी बहुत बात करते हैं रात में, वो यानी वो कुछ भी हो नुकसान हो फायदा हो सब कुछ बताते हो, मेरे साथ किसने क्या किया सब कुछ मेरे साथ शेयर करते। लाइफ में जो भी कुछ हुआ अभी तक मेरे से उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, और
मैंने जितना उनको सपोर्ट किया है लाइफ में, मुझे उन्होंने भी उतना ही सपोर्ट किया है। मैं भी यानी एक छोटे से स्लम एरिया से हूँ, स्लम बहुत ज्यादा स्लम, मम्मी पापा के पास पैसे नहीं, ऐसे स्लम एरिया में से हूँ। तो उन्होंने, मैं जिस कंडीशन में अभी हूँ उतना कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं था, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। अभी जो हालत में मैं उनकी वजह से हूँ ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। मम्मी पापा से लेकर सब कुछ, यानी उतना मेरे पास में उतना नहीं था कॉन्फिडेंस जितना उन्होंने मुझे बढ़ाया, और आज मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से। और मैं उनको ही श्रेय देती हूँ कि क्या बात है, भी मतलब आप दोनों की ये बोल सकते हैं कि KK इंटरनेशनल देवलीकर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आज इस मकाम पर है, तो उसमें श्रेय आप दोनों को जाता है, मतलब 50-50 के पार्टनर्स हैं आप लोग। सर ये मुझे बताइए कि इस कंपनी की खास बात क्या है, मतलब एज कंपेयर अगर हम बाकी सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो आपकी जो एजेंसी है वो क्या खास प्रोवाइड करती है। देखिए पहले से मेरा एक फॉर्म था कौस्तुभ सिक्योरिटी एजेंसी, बट वो फॉर्म में मैं गवर्नमेंट के काम नहीं ले पाता था, क्योंकि गवर्नमेंट के काम अपन लेने के लिए जाते हैं, टेंडर डालते हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही देंगे जी। तो मैंने बहुत सोचा, ये कोरोना काल की बात है, मैंने बहुत लोगों को रोजगार दिया ये कौस्तुभ सिक्योरिटी एजेंसी ने, और मेरे पास में यंग जो यूथ है वो मेरे पास में आया था कि हमें छोटे सैलरी में, हमारा 7-8 हजार 9 हजार में वो काम करना नहीं चाह रहे थे जी। तो मैंने मन में सोचा, हमने घर में भी डिस्कस किया कि भाई 9-10 हजार में अपन काम नहीं करते, नया यूथ जो है तो वो यूथ को सैलरी ज्यादा चाहिए, तो अपन गवर्नमेंट के काम लेंगे, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और गवर्नमेंट के इसमें अपन काम करेंगे। वहां अपने को मिनिमम वेजेस मतलब मंथली जो जाता है लगभग 30,000 का, तो अपन जो यूथ है नया वाला यंग है उनको अपन सैलरी भी ज्यादा देंगे और अपने पास में काम भी बढ़ेंगे, अपना भी प्रॉफिट होगा और बेरोजगार को रोजगार भी दे पाएंगे। दोस्तों इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हुए हैं संजय देवलीकर सर और स्वाति देवलीकर, KK इंटरनेशनल देवलीकर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ये हमें जानकारी दे रहे थे। सर मुझे ये बताइए कि ये जो लिमिटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र द्वारा पंजीकृत आपकी कंपनी है, तो इसके और आगे विस्तार के बारे में क्या बताएंगे आप, ये किस तरह से और बढ़ेगा। मेरी इच्छा तो ये है, अभी ये KK इंटरनेशनल देवलीकर सिक्योरिटी सर्विसेज अभी महाराष्ट्र में काम करना चाह रही है, बट कुछ साल के बाद में इंडिया लेवल के ऊपर भी मुझे काम करना है। क्या बात है, इंडिया लेवल पे भी मुझे काम करना है, निरंतर सेवा भाव, इस संकल्प को लेकर आप सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहा हूँ। सर ये बताइए कि देखिए अभी तो आपने बता दिया कि आज इंडिया की बात करें तो नेशनल लेवल पे आपने जो ये सारी चीजें खड़ा किया है, आपने इतने सारे एम्प्लॉयज के साथ, आज आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं जो जगह जगह पर जो है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और इन फ्यूचर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना जो ब्रांड है वो फेमस करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई कि चूंकि आपका जो ये बिजनेस है वो पिछले 10-12 सालों से निरंतर चला रहा है,
तो ऐसे समय में एक समय ऐसा आया जब पूरी देश जो है वो भयंकर कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में आपके बिजनेस पर कोई फर्क पड़ा? आपके एम्प्लॉयज का प्रेशर या आप मेंटली फिजिकली मतलब कुछ कहीं डिस्टर्ब हुए? नहीं मैम, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट मेरे जो एम्प्लॉय थे इनको थोड़ी तकलीफ हुई, घर से उनके साइट पे जाना जी, साइट से घर जाना, थोड़ा पुलिस लोगों का जो बंदोबस्त बना था वो पीरियड में मुझे तकलीफ हुआ है, बट मैं हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में जाके मैंने परमिशन लिया, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट वहां सबमिट किए, वहां से मुझे पत्र मिला, परमिशन मिला। उन्होंने मुझे बोला था कि जो तुम्हारे एम्प्लॉय है उनको यूनिफॉर्म से, कंप्लीट यूनिफॉर्म से घर से फाइट पे भेजिए, उनके पास में प्रॉपर आई कार्ड रहना चाहिए और फाइट से घर भेजिए उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ में जी, तो हम लोग उन्हें तकलीफ नहीं देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय यूनिफॉर्म पहनने के लिए शर्मता है, सिक्योरिटी गार्ड के एक आदमी की बात कर जी, तो वो आदमी सिविल शर्ट पहन के फाइट पे जाता, उसके बाद में घर जाता है, तो उसको तकलीफ हुआ। बट वो तकलीफ के लिए हमने पुलिस स्टेशन में जाके बार बार बोला है, तो उन्होंने हमें छूट भी दिया है। और वो पीरियड में मैंने बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत वो पीरियड में मेरे पास में लगभग हर मंथ 5 लाख रुपए मंथली का काम मुझे मिला है, काम मेरा बड़ा है। और मैंने बहुत कोरोना काल में जो बेरोजगार थे उनको मैंने काम भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उनको भी 2 पैसे का प्रॉफिट हुआ, मुझे भी 2 पैसे का प्रॉफिट। कोरोना काल में हम लोग सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि कितना टफ है बाहर जाना बाहर आना, तो हर स्क्वायर में जो अपने महाराष्ट्र के जो पुलिस है वो जनता को कैसा सुरक्षित रखना है वो चीज के लिए ध्यान दे रही थी। बट वो पीरियड में जो पुलिस लोग जो है उनके तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो उनके तरफ हमने ध्यान दिया है। अपने दक्षिण नागपुर, पूर्व नागपुर, पश्चिम नागपुर में जो पुलिस लोगों को सेफ्टी रखने के लिए हमने उनको मास्क शील्ड दिए हैं, लगभग हमने 50,000 शील्ड पुलिस लोगों को बांटे हैं। बेलतोरडी पुलिस स्टेशन, हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन, अजनी पुलिस स्टेशन, फक्करदरा पुलिस स्टेशन, गांधीबाग पुलिस स्टेशन, पाचपौली पुलिस स्टेशन, इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन, ये दक्षिण नागपुर, पूर्व नागपुर, उत्तर नागपुर जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं हर पुलिस को हमने सुरक्षा मास्क बांटने का काम किया हुआ है। सर मैम, स्वाति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो इतना टफ जॉब, उस पर से आपको डर नहीं लगता था कि एक तो सिक्योरिटी, उस पर से कोरोना काल में किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी देना और ऐसे समय में अपने ऊपर भी ये चीज जो है वो आ सकती है, तो इस कैसे मैनेज किया आपने? बहुत ज्यादा डर था क्योंकि घर में छोटे बच्चे थे जी। बहुत ज्यादा जब ये बाहर जाते थे क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता ही था जी। क्योंकि गार्ड लोग बाहर निकल रहे और ऑनर घर पर बैठा है, ये तो नहीं हो सकता था, तो उनकी देखरेख के लिए अपने, क्योंकि अपनी वजह से वो गार्ड लोग बाहर निकल रहे अच्छे से, और सोसाइटी में जब कोरोना था वो गार्ड लोग वही खड़े रहते थे, वही गार्ड लोग बिल्डिंग के ऊपर जिनके घर में कोरोना था उनको सामान लेकर जाना, वो कभी कभी तो गार्ड लोग फोन करते थे और बोलते थे कि सर यहाँ पर कोरोना है हम नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो हम हिम्मत बता देते थे उनको कि कुछ नहीं होगा, आप जाओ, आप क्वारंटाइन होकर जाओ, अच्छे से जाओ वहां से आकर, प्रोटेक्शन सैनिटाइजर, हाँ सैनिटाइजर बहुत सारे प्रोटेक्ट किए इन्होंने, बहुत यानी बहुत, हर एक सोसाइटी में एक एक सैनिटाइजर की पूरी 5 लीटर की बॉटल रखते थे, प्रोटेक्शन की पूरी चीजें उन्हें प्रोवाइड, हाँ बहुत सारे यानी, और उनके लिए हमने एक सुरक्षा ने कवच टोपी वगैरह सब प्रोवाइड किए थे कि आप जाओ, और उनको हमारी यानी ऐसा था कि मंथली लेके सब लोग घर पर बैठे थे, तो सोसाइटी में नहीं क्या हमें यानी फंड नहीं आते थे, तो गार्ड तो काम करते थे, पूरी तरह से काम करते थे, घर से इतना कोरोना काल में बाहर निकलते थे तो उनको हमें सोसाइटी से कंपनी से फंड नहीं मिल रहे थे, तो पैसे की तो इतनी सारी दिक्कत थी, पर हमें ऐसा हम दोनों ने ऐसे सोचा कि वो गार्ड लोग बाहर निकल रहे हैं इतने दंपर कर रहे, तो हम लोगों ने अपने अपनी तरफ से जो भी होता है जितने हमारे घर में जो फंड है हम उनको देते थे। क्या बात कि उनका यानी 6,000 के लिए वो घर से इतने दूर से बाहर आ रहे इतने कोरोना काल से, कोरोना काल में
तो हमने इतना जितना हो सका उतना उनके घर के लिए हम लोगों ने किया, यानी हमने खुद को ये करके उनके घर के लिए 6,000 रुपए, जिसके 7,000 रुपए नहीं 6,000 हो सकते तो आप 4,000 रख लो, ऐसा करके हमने उनको बहुत किया। और उन्होंने हमारा सबसे बोलो तो गार्ड लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पर है, वो वर्करों की वजह से जी जो पोजीशन में है वो सारा छह तो मैं वर्कर को ही दूंगी क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया इसलिए हम लोग यहाँ पर है। मतलब वो जो कठिन समय है वो भी आपका निकल गया, वो भी वर्करों ने ही ठान लिया होता कि कोरोना काल में हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी पोजीशन तो यहाँ तक नहीं थी ना, तो सब वर्करों की वजह से हम लोग यहाँ पर है। एक तरफ वर्करों की वजह से भी और दूसरा इसलिए भी कि उनको पता है कि हमारे जो ओनर हैं, हमारे जो मालिक हैं, वो भी हमें सुरक्षा की सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। और कोरोना में जितना साथ हमें एक बॉस दे रहा है, शायद उस पीरियड में तो लोग अपने परिवार का साथ नहीं दे पा रहे थे। अगर अपने परिवार का भी कोई सदस्य कोरोना से ग्रसित हो जाता था तो शायद उसको बोलते थे कि भाई तू रेंट पे ले रूम, और बाहर से आता है तो रेंट के घर पे रहे, घर पे भी नहीं आने देते थे। मैं इनका एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगी, एक बड़े कंपनी का ऑनर रहता है तो वो कैसे वर्कर के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सुपरवाइजर को यानी अपने नीचे वाले आदमी को कि भाई तू देख ले सब कुछ। पर इनका एक प्लस पॉइंट है, इनको गार्ड लोगों के यानी वो वर्कर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उनके घर में कोई दिक्कत हो रही है कुछ हो रहा है तो यानी एकदम खुलेआम से वो वर्कर इनको बता देता है, यानी बहुत अटैचमेंट वर्करों के साथ यानी जितना सुपरवाइजर के साथ उतना अटैचमेंट नहीं है वर्करों का, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट वो ऑनर को कॉल करते हैं क्योंकि ऑनर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व होते उनको ऐसा लगता है कि स्वाति इनकी वजह से अपन लोग यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए वो इतना अटैच है उनको वर्करों से कि बहुत ज्यादा, नहीं तो कोई कोई आप बोलते ना कि ये कंपनी यहाँ तक कैसे पहुंची, तो मैं तो सारा श्रेय वर्करों को दूंगी क्योंकि वर्करों की वजह से ये कंपनी यहाँ तक खड़ी है और आगे चलकर भी वैसा ही। कोरोना काल में हम दोनों ही थे, हमने देखा इतने यंग लोग आए थे ऑफिस में कि जॉब लेकर, और अभी भी हम देख रहे हैं ज्यादातर यंग लोग भी क्या ई रिक्शा चला रहे क्योंकि कंपनी के साथ सारे कंपनियों ने लोगों को निकल दिया है, इतने यंग लोग आ रहे थे। तो इसीलिए हमने ये केके इंटरनेशनल का सुझाव किया कि नहीं हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डालेंगे, सारे ये जो ई रिक्शा चला रहे यंग लोग तो वो इस फील्ड में आएंगे, उनको गवर्नमेंट जैसा ही एक प्रोटेक्ट मतलब एक जॉब मिल जाएगा और सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। इसकी वजह से हमने ये केके इंटरनेशनल चालू किया है कि सारे यंग लोगों को जो जॉब से निकाल दे चुके हैं, किसी किसी ने तो सुसाइड भी किया है, हमने बहुत कुछ सुना किसी किसी सुसाइड के, तो सब यंग लोगों को इसलिए हमने ये कोरोना काल के बाद हमने सोचा और ये केके इंटरनेशनल का हमने ये। मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि एट प्रेजेंट अभी आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं? अभी तो हम 200-250 से लेकर हमारी कंपनी में लोग हैं, पर ये केके इंटरनेशनल का हमने अभी अभी चालू किया है, हमारा पूरा यानी वर्क जो का यानी है जो कागज थे सब हमने अभी जमा किया है, मतलब इंडिया लेवल पे हर जगह हमें सुविधा मिल सकती है जहां भी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने पूरा वर्क यानी जो पेपर से पूरा पेपर वर्क कर लिया है हम लोगों ने कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सके। इसमें काम किस तरह से काम करना चाहिए जी उस पे सर्चिंग चल रहा है। अच्छा, हमने बहुत सर्च बड़े पैमाने पे काम करना है इसलिए सर्चिंग चल रहा है, अगर अदरवाइज हम कुछ भी चालू करना है चालू कर देंगे और दो चार आदमी इधर का उधर लगा लेंगे ऐसा नहीं काम नहीं बनेगा, मतलब प्रॉपर वे में आप लोग कर रहे हैं उसका काम करना चाहिए। क्या बात है सर, पहले पूरा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे यानी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना हो तो कौन से पेपर लगेंगे क्या लगेंगे, हमने वो सब जमा करके फिर ये कंपनी चालू कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो वर्कर है उनको भी कुछ तकलीफ ना हो और उनको अच्छा खासा फंड मिल सके सैलरी मिल सके, इस वजह से हमने ये केके इंटरनेशनल चालू किया है। बहुत अच्छी बात है सर। मैम सर आखिरी सवाल मेरा आप दोनों के लिए रहेगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि बहुत सी युवा पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में आना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर है
जो उन्हें आने नहीं दे रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो फील्ड है, ये फील्ड उतनी अच्छी भी है और गलत भी है। और जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको कुछ टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल सबसे बड़ा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अपना 8 आवर्स का ड्यूटी करके घर आए और अपने परिवार को समय दे, इसलिए वो लोग प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये काम करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छे ये फील्ड में लोग भी अच्छे हैं और पहचान भी अच्छी होती है, बहुत प्यारी फील्ड है, बट लोग नहीं आना चाह रहे। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये फील्ड में लोग आना चाहिए, इसमें सब लाइफ जो है अच्छी अच्छी सेटल होती है, इसमें पैसा भी है, सब कुछ है। मैम कैसे कोई भी ऐसा रहता है कि प्राइवेट कंपनी में एक अहदा रहता है, नहीं मैं इस कंपनी में एक ये वाला पद पर एक एम्प्लॉय हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड बोले तो वो सब नहीं क्या नीचे तौर पर ही देखते हैं। बिल्कुल, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिक्योरिटी गार्ड है तो बहुत नीचे, यानी आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आप एक यानी किसी को गार्ड कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। एक जगह देखिए तो आप पुलिस वाले भी वही काम करते हैं, पुलिस भी वही काम करता है, मिलिट्री भी वही काम करती है, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है, वही काम करता है। ये जो कैटेगरी जो है, ये थर्ड लेवल का कैटेगरी है, फर्स्ट लेवल का मिलिट्री है, सेकंड का पुलिस है, थर्ड लेवल का सिक्योरिटी गार्ड है। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड वालों को कैसे एकदम नीचे तौर पर देखते हैं। कोई किसी अपने घर का काम यानी अपना एक निजी नौकर बोले ना जी, वो कुछ समझते नहीं। पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, और ये शायद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एट प्रेजेंट आज के टाइम में जो सिक्योरिटी फोर्स है, उनका जो एक बोलना चाहेंगे कि बाउंसर्स लोगों की जो है डिमांड जो है वो हर जगह बढ़ गई है। आप एक छोटा भी फंक्शन करो तो भी आप देखेंगे कि वहां पर 2 बाउंसर दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता है कि छोटा हो या बड़ा, हमें बिना सिक्योरिटी वॉल के, मतलब एक प्रोटेक्शन के बिना हम अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है सिक्योरिटी फोर्स वाला की, वो अपने आप में जो है वो सही भी है, क्योंकि आज के समय में इन्हीं की मांग है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे के इंटरनेशनल देवलीकर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोलिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र द्वारा पंजीकृत कंपनी के संजय देवलीकर सर और स्वाति संजय देवलीकर मैम। एक बार फिर मैं आप दोनों का अपने चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों इनबिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनबिसिन न्यूज। नमस्कार।